सर्च में कीजिए। बाप रे, अब आप जाएंगे 9 महीना पीछे। इतना सारा मेहनत हो चुका है ना रेडी यूट्यूब पे मेरा। अन्नप्राशन उधर गया। हम पियेंगे पानी। तो तिलक है भी, आप 2 महीना पीछे ही हो, 3 महीना पीछे। ओ, नहान वाला गया ऊपर वीडियो। ऊपर गया है ईगो, उसमें है पूरा। इस वाले में तो मुंह नहीं दिखाया होगा, देखो ना, देखो छुटकी कितनी छोटी थी इसमें। कितना कुछ लोग तो ऐसे थे। ऊपर गया लड्डू, ऊपर भी ये फेस रिवील वाला जो वीडियो है ना, उसमें बिना स्टिकर के है। ये वाला है वीडियो जिसमें दीदी हैं, भाभी हैं नीचे। हाँ, बट इसमें स्टिकर होगा ऊपर वाले। इससे ऊपर जो होगा ना, वो बिना स्टिकर वाला। इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, वो फेस रिवील। ये फोटो शूट कराई थी क्या? यहाँ फेस रिवील हुआ मेरी बेटी का। चैनल प्राचीत स्वर्ग। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इसमें होने वाला फेस रिवील मेरी बेटी का। और ये वो दिन है जिस दिन वो खुद हुई थी। मैं तो खुद इस चीज़ को विटनेस नहीं की थी, और मैं ऐसे टाइम पे मतलब मैंने ब्लॉग्स भी नहीं देखे पूरे के पूरे, क्योंकि सारे ब्लॉग्स लाइव जा रहे थे बिना कोई एडिट, बिना किसी चीज़ के। रवि के पापा बस डाल दे रहे थे, बस मैंने खुद अपना चैनल ले रहा, क्योंकि वो चैनल मेरा लॉग इन है उनके फ़ोन में भी, तो वो बस वीडियो अपलोड करना था। बस इतना समझ में आ गया कि रात का वीडियो है। और अभी मैंने ब्लॉग को थोड़ा आगे करके देखा कि मतलब कौन कौन जा रहा है, तो इसमें लड्डू के पापा और प्रिंस दोनों जन जा रहे हैं, यानी कि लड्डू के छोटे पापा और बाबू लड्डू के पापा। तो ये दोनों जन जा रहे थे किस लिए, तो ये ऑयल लेने के लिए जा रहे थे मेडिकल शॉप पे। तो आप लोग खुद देखिए, नानी तेल है, कोई तेल है, बोल रहे हैं सरसों तेल लग जाएगा। इतना दर्द सह रही है तो छन छन आ जाएगा, तो नहीं सही देख रहे हो मेरे भाई को। आ गया। तो ये वो वक्त था जब ऑलरेडी मेरी छुटकी हो गई थी और यहाँ पर उसको किया जा रहा था क्लीन। तो बस उसको अच्छे से क्लीन वगैरह करके अम्बेलिकल कॉर्ड उसका वो कट किया, उसका नोज़ वगैरह सब सक करके ना उसको क्लीन किया जा रहा था, ताकि इंटरनेट उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसी टाइम में इंजेक्शन भी उसको डाला गया, लगाया गया। और उसके बाद से फिर जो लड्डू के डॉक्टर हैं, जहाँ पर पैदा होते ही लड्डू गया था यहीं से, और मतलब ये भी गई उसी टाइम, और सेम टाइम ही ऑलमोस्ट हुए थे, क्योंकि 11:27 में लड्डू हुआ था, 11:57 में ये हुई है। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद मैं डॉक्टर के बहाने यहाँ पे थी, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे को मायके में रहने के लिए कोई बहाना की ज़रूरत नहीं है। मेरे को जब मन करेगा, जैसे मन करेगा, जितने दिन मन करेगा मैं रह सकती हूँ। और वैसे अगर मैं इन डॉक्टर के पास अपना इलाज अगर स्टार्टिंग से नहीं कराती, और आसपास के लोग, जैसे कि कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि बहाना बना करके मायके में है डॉक्टर के बहाने, तो मैं पहली बार तो 6 महीने अपने हस्बैंड के साथ बैंगलोर थी, बीच में 1 महीने आई, फिर वापस से मैं गई, फिर वापस मैं 1 महीने आई। तो मुझे बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई ट्रस्टेड डॉक्टर मोर देन पीपल अराउंड मी, और इसी वजह से मेरी दोनों टाइम नॉर्मल डिलीवरी हो गई। वरना आज के टाइम पे ये भी एक वैसा हो गया है जंग जीतने के बराबर कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और लड़की के पापा को देखो, 4.7 kg और 4 kg के आसपास, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड
मैं बहुत काटने के लिए मांग रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन हो रहा है कि हम लोगों को भी नॉर्मल रिकवरी करना चाहिए बिकॉज इतनी जल्दी रिकवरी, तो इससे मुझे अच्छा भी लग रहा है। और अच्छा है कि जब आपकी आपकी इंस्टीट्यूशन से ऐसे बोले, मतलब कि इंस्टिंक्ट ना बहुत काम करता है, खास करके मेरा इंस्टिंक्ट तो बहुत काम करता है, तो मैं अपने इंस्टिंक्ट के साथ ही जाती हूँ कि मेरा जो दिल कर रहा है, अंदर से जो मुझे फीलिंग आ रही है वही मैं करूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री होता है। और बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोग आसपास के लोगों का, मैंने ये देखा है जब भी मैं आसपास के लोगों का सुन के चलती हूँ ना, मेरा ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हुआ है, लेकिन हाँ मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ, लेकिन जब मैं अपने दिल की सुनती हूँ मैं डेफिनेटली होती हूँ सेटिस्फाइड, और सबको ही होता है। और अगर कुछ ना भी हो तो इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि आपकी वजह से मैंने ये किया वो किया। तो यहाँ मेरा इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग था कि मेरी नॉर्मल खाते हुए डिलीवरी के जस्ट पहले, क्योंकि सेव गुड़िया खाने का बहुत मन था, पता नहीं क्या अलग ही क्रेविंग चल रहा था। कानों में करके हमको इरिटेशन हो रहा था कि खाली खाने के लिए बोल रहे थे, हमको हो रहा था कि थोड़ा दो चार आदमी कम होता, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि सब लोग साथ थे। यहाँ सेव बुनिया खाते हुए, और मेरा लास्ट ड्रिप लगने वाला था, तो मैं बोली कि मैं खा सकती हूँ कि नहीं, तो वो बोली जल्दी जल्दी खा लो खाना है, तो ये लोग गए पता नहीं कितना दूर लाने के लिए गए थे, ठोक दिया था ना गाड़ी कहीं पे आप लोग। फिर सेव बुनिया आया, खा लिए, फिर सबको यहाँ भी हंस आ रहा है। गुड मॉर्निंग, ये क्या है? सो गाइस यहाँ पे मैं कर रही थी ब्रश और मेरी छुटकी, एक्चुअली ये ऑलमोस्ट बहुत बार हो जाता है, लेकिन आज छुटकी भी जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे ब्रश करना है, तो वो मैं करने नहीं दे रही थी उसको, लेकिन यहाँ पे मैं सोची कि चलो कैप्चर कर लेते हैं, और इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, बार बार हाथ उठा रही थी, तो ये मैं बहुत लेट कैप्चर कर रहा था 1:30 बजे तक। और उसके बाद बहुत अच्छा लगा, मुझे तो रोना आ गया सब मोमेंट याद करके, और बेटी कब ने कैप्चर्स हुए थे ऐसे इतना देर, कितना क्या बोल रहे थे, गौरैया आ रही है, तो क्या हमारे घर में गौरैया चिड़िया मतलब चिड़िया वहाँ देखिए वहाँ जगह बना रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए राइस लेके आ रहा हूँ, एक कटोरी में राइस और पानी रख देंगे लोग ना, तो पानी गर्मी का दिन है बहुत ज़्यादा ही, और हम लोग को तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है, ठंडी में लग रहा था कि वो लगाना पड़ेगा गीज़र, और अब लग रहा है कूलर लेना पड़ेगा हम लोग को, तो अभी देखते हैं, बहुत ज़्यादा गला भी सूख रहा है, और वीडियोस देख के बहुत अच्छा लगा। अब हम लोगों ने सोचा है ना, वीडियोस जो भी है वो हम सिर्फ अपने खुशी के पर्पस के लिए बनाएंगे, है ना, दूसरे को खुश करने के लिए कुछ कंटेंट नहीं डालेंगे, और जो हमें अच्छा लग रहा है वही हम डालेंगे, है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। अक्सर क्या होता है ना, देखो एक तरफ से हम रिश्ते बस बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसको जो ट्रैक करना है वो कर ही ले रहा है ना, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालेंगे। और हम लोगों को इतनी खुशी मिली कि इतना सारा कुछ शूट हुआ, डाले भी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि यार वापस से वो दिन, मतलब ऐसे मेरे को देख करके इतना इमोशनल हो रहा था, फिर छुटकी को देखे, लड्डू भी छोटा सा था, लड्डू बोल रहा है ड्रैगन ड्रैगन कर रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। आप